Hello to soul brothers and sisters, be blessed by divine, welcome to Healers Land. जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जंक डीएनए होता क्या है, इसे कैसे पहचान सकते हैं और इसे हील करने के मेथड्स सजेस्ट किए थे, पर आज के वीडियो में मैं साइन बताऊंगी कि आप कैसे जान पाएंगे कि आपका ओल्ड डैमेज डीएनए, करप्ट डीएनए एक स्पिरिचुअल डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है, हील हो चुका है, यानी कुछ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में भी और सोल लेवल पे भी, जिससे पता चलता है आपका डीएनए अब रिपेयर हो चुका है। तो फर्स्ट साइन है फिजिकल लेवल पे फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे बॉडी एक्स एंड पेन्स आपकी बॉडी में, जहाँ जहाँ पे डार्क एनर्जी ने ब्लॉक कर रखा था, डार्क एनर्जी फंसी हुई थी जहाँ पे, तो जैसे ही वो वहाँ से रिलीज़ होती है तो वहाँ पे बॉडी एक्स और पेन शुरू होने लग जाते हैं। अगर आपके थर्ड आई या क्राउन चक्रा पे डार्क एनर्जी फंसी हुई थी तो जैसे ही वहाँ से रिलीज़ होगी तो आपको हेडेक्स बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। जहाँ पे भी आपके जो सेवन चक्रास होते हैं बॉडी में, जहाँ पे भी आपकी डार्क एनर्जीज बहुत ज़्यादा जो ब्लॉक करके रख देती है चक्रास को, तो वहाँ से जैसे ही रिलीज़ कर दिए तो वहाँ उस चक्रा के आसपास पेन होना शुरू हो जाता है या कोई फिजिकली सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएंगे, फीवर हो सकता है या और कोई भी प्रॉब्लम फिजिकली। सेकंड साइन है कि जैसे ही आपका डीएनए हील हो जाएगा तो आप किसी भी कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी आपका करियर रहा होगा पहले जिसमें कोई मीनिंग नहीं होता है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बस आप एक बोझ तले उस जगह पे काम कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि आपको वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिला होता है, बट आपको वो जॉब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। तो डीएनए हील होने के बाद फिर आप ऐसा कोई जॉब करते हैं, ऐसे काम में लगते हैं जिसमें भले ही आपको उतना मनी प्रॉफिट ना मिल रहा हो, पैसा उतना नहीं मिल रहा हो, मैटेरियली आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, बट आपकी सोल को वो काम करना बहुत अच्छा लगता है। आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, बहुत ज़्यादा आपको सुकून फील होता है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप उनको खुश देखते हैं तो आपको भी अपने अंदर बहुत खुशी महसूस होती है। थर्ड साइन है कि आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं बाहर कहीं वर्किंग प्लेस पे या फैमिली में, वो वहाँ उसमें पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू कर देते हैं, या फिर आपका न्यू डीएनए, एक स्पिरिचुअल डीएनए एक्टिवेट हो जाता है तो आप अपनी ही सोल ट्राइब, जो आप ही की जैसी सोल्स होती हैं एकदम पॉजिटिव, जो डिवाइन से अलाइन होती है, आप अपनी सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप ही आपकी लाइफ में आना शुरू कर देते हैं। और जो सोल ट्राइब होती वो आपकी सोल एनर्जी को फील करके, सेंस करके आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, या इसी तरीके से आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ साइन है कि आपके जो भी पुराने रिलेशंस रहे होते हैं जो अच्छे नहीं रहे होते, किसी ने आपको चीट किया होता है या कुछ भी गलत किया होता है, किसी ने आपको अब्यूज़ किया होता है, इमोशनली मेंटली टॉर्चर किया होता है बिकॉज कि आपका उनके साथ कर्मा रहा होता है, बट जैसे न्यू डीएनए आपका बनता है आपको मीनिंग समझ में आने लग जाता है कि ये सब आपके साथ क्यों हुआ था, आप एक लेसन लर्न करते हैं जो भी रिलेशंस में आपके साथ होता है, आप उनको इजीली फॉरगिव करते हैं, पर्सन की जैसे, व्यक्ति की जैसे कॉन्शियस हाई होती है, बढ़ती है, एक नेक्स्ट लेवल पे जाती है तो वो फॉरगिव, माफ़ करना शुरू कर देता है, वो इजीली माफ़ कर देता है, घृणा उसके मन में नहीं रहती है, इजीली मूव ऑन कर लेगा और बिना किसी मतलब पीठ पीछे, जैसे कुछ लोग होते पीठ पीछे अपशब्द बोलते हैं या नेगेटिव थॉट्स मनी मन उनके मन में चल रहे होते हैं दूसरे के लिए, पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आप उसको सामने वाले को माफ़ कर लोगे, आप मूव ऑन हो जाते हो और उस पर्सन के साथ फॉरगिव करके कॉर्ड कट कर देते हो आप अपने उसके साथ, इमोशनली भी मेंटली भी, या भले ही वो पर्सन अभी भी आपके बारे में कुछ बुरा सोच रहा होगा पर
मतलब कि आप उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी अपने मन में कोई हीन भावना नहीं रखते हैं, ना बुरा सोच रहे होते हैं, ना ही उसकी बुराई किसी और से कर रहे होते हैं, यानी कंप्लीट कॉर्ड कट कर लेते हैं। और कंप्लीट जब हम किसी से इमोशनली मेंटल लेवल पे कॉर्ड कट कर लेते हैं तो हमारा उसके साथ जो एक कार्मिक अकाउंट हो जाता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। यानी फिर आगे आपकी सोल जर्नी में वो पर्सन कभी भी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। फिर है 5 साइन जो है फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस होती है पर्सन की। जैसे ही कॉन्शियस बढ़ती है तो जैसे वो शिफ्ट होता है, हायर डायमेंशंस में शिफ्ट होता है, तो पर्सन लोनली फील करने लग जाता है। वो ऐसे लोगों से डिटैच हो जाता है जो पूरी तरीके से मेटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, नेगेटिविटी उनके अंदर रहती है। तो वो लोग अगर उसके आसपास होंगे भी तो उन लोगों के साथ उससे बात करने का मन नहीं करता है। उसको लगता है मैं अकेला भले ही ठीक हूँ, मैं अकेला रहना पसंद करूँगा, खुद के साथ जुड़ना पसंद करूँगा, पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा अपने पीस के साथ कि मैं किसी टॉक्सिक कंपनी को ज्वाइन कर लूँ। फिर है 6.0 टॉलरेंस ऑफ नेगेटिविटी। पर्सन का स्पिरिचुअल डीएनए एक्टिवेट होने के बाद उसके तरफ आएगा नेगेटिविटी थ्रो करता है तो वो उसे टॉलरेट बिल्कुल नहीं करता है, वो दूर हो जाता है उस पर व्यक्ति से। या उसके आसपास कुछ ऐसा सिनेरियो घटित होता है, ऐसा इंसिडेंट होता है जो गलत होता है बिल्कुल, तो वो उसे टॉलरेट नहीं करता है। अगर उसकी फैमिली में होगा कि कोई या फिर बाहर भी होगा कि कोई किसी को बेवजह मार पीट रहा है, किसी के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो वो पर्सन सिर्फ सामने खड़े रख के सिर्फ देखेगा नहीं। जैसे कि आम लोग करते हैं कि कोई हादसा हो जाता है तो लोग सड़कों पे वीडियो बनाने लग जाएंगे या फिर खड़े रह के तमाशा देखते रहते हैं। तो जिसका जो स्पिरिचुअली होता है, जो डिवाइन से अलाइन होता है, तो उसको अंदर से ही गाइडेंस आती है कि जो सामने किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसे जाके रोको। इसके बाद जो 7 पॉइंट है कि एक आपको अंदर व्यक्ति को अंदर से फीलिंग आने लग जाती है कि जिस वर्ल्ड में वो अभी रह रहा है, फिजिकली रह रहा है, ये उसका असली घर नहीं है। उसका जो असली घर है वो कहीं दूर है जहाँ पे डिवाइन की प्रेजेंस है। जैसे कि दूसरे व्यक्ति होते हैं जो 3D में फंसे होते हैं, जो अपने डे टू डे लाइफ को आसानी से जी लेते हैं, उसको इंजॉय कर रहे होते हैं, बट स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है, जो 5th डायमेंशन में शिफ्ट हो चुका होता है, वो इजीली ऐसी लाइफ को अडेप्ट नहीं कर पाता है। या फिर मन ही मन उसको लगेगा कि वो कहाँ फिजिकली तो यहाँ पे है, अब वो खुद को मार तो नहीं सकता, जान तो नहीं ले सकता, पर उसको लगता है कि मैं बहुत गलत जगह पे हूँ अभी, यानी मेरी सोल को अभी कहीं और होना चाहिए। 8th साइन है कि वो जैसे ही असेंड होता है, आगे प्रोग्रेस करता है स्पिरिचुअली, उसके अंदर की जैसे सारी नेगेटिविटी निकल जाती है, तो वो जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, जो स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं, जो कंटिन्यूसली वॉच कर रहे होते हैं ऐसी सोल्स को जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आगे प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तो वो मास्टर्स उनकी हेल्प करते हैं दूर से ही, उनको वो गाइडेंस दे रहे होते हैं। एंजल्स होती हैं, जो हायर डायमेंशंस की सोल्स होती हैं, जो बहुत सारा सोल पर्पस करके इनर वर्क करके मोक्ष प्राप्त कर चुकी होती है, तो इजीली वो व्यक्ति उनसे कनेक्ट हो जाता है, उनकी गाइडेंस को रिसीव कर पाता है। अगर व्यक्ति किसी तरीके के कन्फ्यूजन में रहेगा, किसी तरीके की मुसीबत में रहेगा, तो सडनली कुछ ही देर में उसको एक सॉल्यूशन अपने आप ही उसके माइंड में आ जाता है। तो ये जो गाइडेंस उसके माइंड में डाली जाती है, वो जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो पवित्र आत्माएं होती है जिसको बोलते हैं, वो उसको दूर से गाइडेंस भेज रहे होते हैं, तो वो इजीली रिसीव कर लेता है। 9th साइन है क्लेयर्स एक्टिवेट होना, यानी मल्टी डायमेंशनल पावर्स का एक्टिवेट हो जाना बॉडी में सोल लेवल पे। पर्सन की जो सेंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और इंट्यूशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की एनर्जीज को इजीली पिक कर लेता है, दूसरे पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं, या उस व्यक्ति को अपना फ्यूचर तक प्रिडिक्ट वो कर लेता है खुद से। 10th साइन है कि उसके जितने भी एडिक्शंस होते हैं
खासकर की जो लस्ट होती है थर्ड डायमेंशन में जो रहते हैं, जिनका डैमेज डीएनए होता है वो बहुत ज़्यादा लस्ट से भरे होते हैं। तो पर्सन के न्यू डीएनए में वो सारे एडिक्शंस जो उसके डीएनए को ख़राब कर रहे होते हैं, करप्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, वो सब रिमूव हो जाते हैं। 1% भी वो एडिक्शंस उसके डीएनए में नहीं रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 10 साइंस जो मैंने अभी बताया, इससे आप जान सकते हैं कि आपके इनर वर्क से आपको कितना फल मिला है या कितने आगे तक आप हील हो चुके हो। आपने अपने ऊपर सोल लेवल पे कितना आपने खुद को एसेंड कर लिया है, आगे बढ़ाया है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।